मैथमेटिक्स एंड ऑफ दिस टाइम आई एम सॉल्विंग एक्सरसाइज 4.7 का क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व कर रहा हूं स्टूडेंट्स. ओके सो स्टूडेंट्स लुक एट हियर, अ पॉलीनोमियल हैज गिवन टू अस, हमको एक पॉलीनोमियल दिया हुआ है. वी शैल फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल मेक अ ब्रैकेट, हमको साइंथेटिक डिवीजन के जरिए कोशेंट मालूम करना है स्टूडेंट्स. ये ब्रैकेट मैंने बना ली है यहां पे. First of all, I will write all the coefficients of this polynomial inside of this bracket. So, students, x की power 4 का coefficient plus 1 है, यहाँ 1 उतारा. X cube का coefficient minus 1 है, इधर मैंने minus 1 उतारा. X square का coefficient 1 है, यहाँ 1 उतारा. X का coefficient minus 1 है, यहाँ minus 1 उतारा. और ये constant minus 1 को as it is उतार दिया. और ये पूरा का पूरा polynomial के जो coefficients हैं, ये divide होंगे x plus 2 से. तो x प्लस 2 को अगर मैं 0 के बराबर लूँ स्टूडेंट्स, तो x प्लस 2 को जब इक्वल को उधर लेके जाऊंगा तो ये माइनस का 2 हो जाएगा. सो स्टूडेंट्स नाउ आई विल डिवाइड ऑफ दिस ऑल 12 कोफिशिएंट्स ऑफ पॉलीनोमियल फ्रॉम माइनस 2. सो स्टूडेंट्स माइनस 2 से इसको डिवाइड करूंगा. ये 1 को नीचे उतार देंगे हम, साइंथेटिक डिविजन मैथड इस्तेमाल करना है हमको. तो स्टूडेंट्स माइनस प्लस माइनस यहाँ पे आ गया, 2 वन जा 2, यहाँ 2 लिख दिया हमने स्टूडेंट्स. माइनस 1 और माइनस 2 कितना होता है स्टूडेंट्स, माइनस का 3. माइनस माइनस प्लस, यहाँ प्लस आएगा, प्लस लिखते नहीं शुरू में. 2 3 जा 6, यहाँ 6 लिख दिया. 6 और 1 स्टूडेंट्स 7 हो गए. अब स्टूडेंट्स ये माइनस प्लस क्या होगा, माइनस यहाँ माइनस लगा दिया. 2 7 जा 14, इधर 14 लिखा. माइनस 14 और माइनस 1 कितने हुए, माइनस का 15. ओके स्टूडेंट्स अब ये माइनस माइनस प्लस प्लस लिखते नहीं शुरू में, माइनस माइनस प्लस प्लस लिखते नहीं है. 15 टू जा 30, यहाँ 30 लिख दिया मैंने स्टूडेंट्स. ओके अब स्टूडेंट्स यहाँ पे 30 में से माइनस वन जाएगा तो 29 आएगा. 29 मेरा रिमाइंडर है और ये मेरा क्वेश्चन है. तो स्टूडेंट्स एक्स की पावर 4 से शुरू हुई थी इक्वेशन पॉलीनोमियल, अब हम इसको एक्स क्यूब से शुरू करेंगे यहाँ पे. तो मैं लिखूंगा क्यू इंटू एक्स बराबर है, क्यू इंटू एक्स बराबर है, ये एक्स एक्स क्यूब है, ये एक्स क्यूब है हमारा. ओके This is x cube. Okay, students, ये minus 3x square हो जाएगा. ये plus 7x और minus का 15. Okay, students, और remainder हमारे पास 29 आया है यहाँ पे. और यही मेरा आंसर है. So, students, kindly don't forget to hit the bell icon, like and subscribe my video, and write your comments in the comment box. Thank you very much.